एक ऐसी लानत है जो लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम का ईंधन होंगे। डिजिटल दौर हो गया है तो स्कैम्स और फ्रॉड ये भी डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हैं। मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा था, उसमें ना एक ऐड आता है जिसमें बताया जाता है कि इस ऐप को इंस्टॉल करने से, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने से आपको कर्ज़ा जो है वो मिल जाएगा। फिर उनकी कॉल आती है, थ्रेड करते हैं। जो मैंने अपने रिलेटिव्स के नंबर दिए थे उसमें से एक मेरी सिस्टर का था, एक मेरी मदर का था, वो नंबर पे काले करके उन्हें गाली गलौज कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, सूद एक ऐसी लानत है जो लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम का ईंधन होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में अहदीस भी हैं। बहैसियत मुसलमान हमें आका दो जहाँ की तालीमात पर अमल करना चाहिए, और चूंकि हम एक इस्लामिक कंट्री में भी रहते हैं तो इस लानत से दूर रहना चाहिए। पहले सुनने में आता है, बड़े बताया करते थे कि मोहल्ले में फलाह बंदा है, वो सूद पे पैसे देता था, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ, या गली मोहल्लों में लोग या कुछ जानने वाले सूद देते थे, या बैंकिंग सिस्टम पर हम चल रहे हैं। लेकिन डिजिटल दौर हो गया है तो स्कैम्स और फ्रॉड ये भी डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हैं। अगर देखा जाए तो एक ऐसी एप्लीकेशन है, बल्कि मैं एक नहीं कहूँगा, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनके आपने नाम कभी ना कभी देखे होंगे या सुने होंगे। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप कमर्शियल ज़रूर नज़र आएगी कि एक क्लिक पर थोड़े से इंटरेस्ट के साथ आप कर्ज़ा ले सकते हैं। ये लोग गरीब लोगों को कर्ज़ा देते हैं, पहले कुछ बताते नहीं हैं कि भाई इतने पैसे आपको इंटरेस्ट की मद में पड़ेंगे। बाद में जब वसूली की बारी आती है तो थ्रेड कॉल्स करते हैं, गंदी गालियां बकते हैं। इसी तरह की एक कहानी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जमील साहब। क्या कहानी थी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आपने कितना कर्ज़ा लिया और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने इस तरह ऑनलाइन ही एतवार कर लिया, या आप लालच में आ गए कि भाई हाँ पैसे मिल रहे हैं, मोबाइल से कोई बाहर थोड़ी निकल आएगा, मैं ले लेता हूँ, क्या मामला था? मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रहा था, उसमें ना एक ऐड आता है जिसमें बताया जाता है कि इस ऐप को इंस्टॉल करने से, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने से आपको कर्ज़ा जो है वो मिल जाएगा। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, घर के हालात नहीं थे अच्छे, तो मैंने इंस्टॉल की ऐप। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद थोड़ी सी तस्दीक हुई, नाम वगैरह, आईडी कार्ड की कॉपी, ये वो, रिलेटिव्स के नंबर ऐड किए, तो उसमें ना गारंटी के तौर पर कोई और नंबर्स भी लिए उन्होंने आपकी फैमिली में से? ये दो नंबर लिए उन्होंने, तो वो भी मैंने ऐड किए। ऐड करने के बाद जी आधे घंटे का प्रोसीजर चला तो मेरे अकाउंट में ना पैसे आ गए। किस अकाउंट में? बैंक अकाउंट में, जैज़ कैश में, इजी पे कैश अकाउंट में ना पैसे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने देखा कि 16,000 रुपया आया, उसमें उन्होंने मुझे 25,000 रुपये की वापसी की डिमांड की। ठीक है, ये पहले नहीं बताया था उन्होंने? पहले नहीं इन्फॉर्म किया उन्होंने कि 25,000 रुपया वापस लिया जाएगा। तो पहले वो क्या कह रहे थे कि जितनी अमाउंट आपको हम देंगे उतनी ही वापस लेंगे? उस पर उन्होंने रखा था कि 9 दिन में अगर अदा करते हैं तो इतने पैसे, अगर 16 दिन में अदा करते हैं, 15 दिन में, 15 दिनों के आई थिंक 1,000 से 1,500 के दरमियान में ना पैसे उन्होंने रखे थे। जब पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, मैंने देखा कि 25,000 रुपये मैं कहाँ से इन्हें अदा करूँगा, वापस करूँगा। मैंने रिटर्न बैक कॉल की कि मैंने कहा यार ये इतना लोन मुझसे नहीं दिया जाएगा, मैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए ये। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे वापस करना चाहते हैं तो आप, ये 16,000 नहीं वापस होगा, आपको 25,000 ही अदा करना पड़ेगा। और ही अगर अभी आप बैक करते हैं? हाँ जी, अभी अगर आप बैक करते हैं तो 25,000 ही अदा करना पड़ेगा, ये 16,000 हम वापस नहीं रख सकते। लिहाजा मजबूर था, मैंने वो इस्तेमाल किए, जो मेरी मजबूरियाँ थी वो मैंने पूरी की, बच्चों का दूध लाया, घर में राशन वगैरह डाला। उनकी कॉल आती है, टाइम लिमिट पूरी होती है, कॉल आती है तो वो। कितने दिन बाद उन्होंने कॉल की, यानी कि आपने कितने दिन के लिए ये लोन लिया था? मैंने 15 दिन के लिए। ठीक है, 15 दिन का टाइम ख़त्म हुआ, उनकी कॉल आई रिटर्न के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे ना कोई 4-5 दिन का टाइम और चाहिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं है, आपको ना पर डे जो है 2.5% जो है ना चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। कि जितनी टोटल अमाउंट है 2.5% पर डे? पर डे, अगर आप जितनी आज पैसे देते हैं जो बचेंगे उसका 2.5% आपको और ऐड करने का ऐड होगा उसमें।
नाजिन मैं आपको बताता चलूँ, इन्हें शायद बताना नहीं आ रहा, इन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे समझ आ गई, यानी कि अगर 15 दिन से 16 दिन है 2.5% जितने बनते हैं टोटल अमाउंट के, टोटल अमाउंट अब आपने उतनी वापस करनी है, और नेक्स्ट डे जब 16 दिन के वो 2.5% पहले वाला उसमें ऐड हो गया है, अब जितनी टोटल अमाउंट होगी उसका 2.5% ऊपर चला गया है। ये सरासर सूदी निज़ाम है जी। फिर उनकी कॉल आती है, थ्रेड करते हैं, जो मैंने अपने रिलेटिव्स के नंबर दिए थे उसमें से एक मेरी सिस्टर का था, एक मेरी मदर का था, वो नंबर पे काले करके उन्हें गाली गलौज कर रही, मुझे गाली गलौज करते तो बर्दाश्त से बाहर था। फिर आपने क्या किया, किस तरह से, यानी कि वो पैसे किस तरह से वापस किए? मैंने ना एक दोस्त से अपने से 5,000 रुपया उधार ली के किस्तों पे एक मोबाइल लिया, मोबाइल लेके वो बाहर सेल करके जो इस ऐप के पैसे थे, जो सूद था, सारा अदा करके इससे अपनी जान छुड़वाई। मुझे बताइएगा, आसमान से टपका खजूर में अटका, ये तो वो हिसाब कर लिया भाई मेरे आपने कि एक जगह से जान छुड़वाई और फिर किस्तों पे मोबाइल लेकर बाहर सेल करके उनसे जान छुड़वाई, अब किस्तें देते रहेंगे? वो जो है वो मैं अदा कर लूँगा, वो तो अपनी जगह फिक्स है, वो नहीं बढ़नी। यानी कि वो जितने पैसे देने किस्तों पर, जो निज़ाम चल रहा है अक्सर नाजरीन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किस्तों पर इंस्टॉलमेंट्स पर चीज़ें लेते हैं, वो 30% टोटल अमाउंट का या 35% या 40% डिफरेंट हिसाब होता है उनका, वो जितनी लिमिट रखते हैं उससे बढ़ाते नहीं हैं, इवन आप किस शॉर्ट भी कर दें तो वो सूद की मद में नहीं लेते आपसे। तो ये जो इन्होंने सारा बताया वाकया, ये सूद है, ये हमारे अदारों पर और इससे रेलिवेंट अदारे जो काम कर रहे हैं ये उन पर एक सवालिया निशान है कि अगर कोई सूद लेता या देता पकड़ा जाए तो वो कानूनन जुर्म कर रहा है, ये ऑनलाइन और धरले से कर रहे हैं, और अपनी एप्लीकेशंस की कमर्शियल्स जो हैं वो आपको फेसबुक पर भी देते हैं, यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं उसमें जो ऐड आता है उसमें भी नज़र आएगी। तो इनकी सारी कहानी आपने सुन ली, ये आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि जो मेरे मासूम बहन भाई हैं जो बिल्कुल सीधे साधे हैं जमील साहब की तरह, कि वो इस चंगुल में फंस जाते हैं कि यार मोबाइल जो कह रहा किसी ने फट लेना है, तो फिर वो ये असर करते हैं। खुदारा इस सूदी निज़ाम को काबू करें, अदारे तो करेंगे लेकिन हमें खुद को बदलना पड़ेगा, अगर हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।